ओम शांति। आज 11 जुलाई 1972 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी साकार बाबा के चरित्र। वर्तमान समय के विशेषताओं को जानते हुए अपने में वह सर्वशक्तियाँ धारण कर अपने आप को विशेष आत्मा बनाया है। जैसे इस समय की विशेषताओं का वर्णन करते हो, वैसे ही अपने में भी ये विशेषताएं देखते हो। जितनी समय में विशेषताएं हैं, उतनी समय में भी हैं। वह समय में ज़्यादा और समय में कम, समय और समम में कितना अंतर समझते हो? अंतर है। आप समय पावरफुल हैं और समय पावरफुल है। अभी समय है, होना समय को चाहिए। अगर कहते हो होना ये चाहिए, तो दुनिया वाले अज्ञानी निर्बल आत्माओं और आप ज्ञानी आत्माओं में व मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं में क्या अंतर रहा? ऐसा होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह तो वह लोग भी कहते हैं, आप भी कहते हो कि होना चाहिए, तो अंतर क्या हुआ? ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। जो लोग कहते हैं चाहिए चाहिए, ज्ञानी लोग चाहिए नहीं कहते, जो होना चाहिए वह करके दिखाते हैं। उनों का होता है कहना, ज्ञानियों का होता है वो करना, यही अंतर है। वह सिर्फ कहते हैं, आप करते हो। अगर अब भी आप कहते हो कि यह होना चाहिए, तो अंतर क्या हुआ? अपने आप से पूछो कि समय की क्या क्या विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं में से मेरे में क्या क्या विशेषता कम है। अगर कोई एक भी विशेषता कम हुई, तो क्या विशेष आत्माओं में आ सकेंगे? नहीं आ सकेंगे ना। इस समय की विशेषताओं को निकालो तो अनेकानेक विशेषताएं दिखाई देंगी। उनमें से इस समय की श्रेष्ठ विशेषता कौन सी है? संगम का समय चल रहा है, श्रेष्ठ बनने का समय तो है, लेकिन समय की श्रेष्ठता क्या है जो और कोई समय की नहीं हो सकती? इस संगम युग की विशेषता ये है कि संगम युग का हर सेकंड मधुर मेला है। जिस मेले में आत्माओं का बाप से मिलन होता है, यह विशेषता और कोई युग में नहीं है, वह यही है बाप और बच्चों का मिला अर्थात मिलन कहो। तो इस विशेषता को सदा अपने में धारण करते हुए चलते हो। जैसे संगम युग का हर सेकंड का मेला है, वैसे हर समय अपने आप को बाप के साथ मिलन मनाने का अनुभव करते हो। वह इस महान श्रेष्ठ मेले में चलते चलते कब कब बाप दादा का हाथ छोड़ मेले व मिलन मनाने से वंचित हो जाते हो। जैसे कब कब मेले में कई बच्चे खो जाते हैं ना, माँ बाप का हाथ छोड़ देते हैं। मेला होता है खुशी मनाने के लिए। अगर मेले में कोई बच्चा माँ बाप से बिछड़ जाए, वह हाथ साथ छोड़ दे, तो उनको क्या प्राप्ति होगी? खुशी के बजाय और ही अशांत हो जाएंगे। तो ऐसे अपने आप को देखो कि मेले में सदा खुशी की प्राप्ति कर रहा हूँ, सदा मिलन में रहता हूँ। जो सदा मिलन में रहेगा, उसकी निशानी क्या होगी? उनकी विशेषता क्या होगी? अतिंद्रिय सुख में रहने वाले व सदा मिलन मनाने वाले की निशानी क्या होगी? उनकी विशेषता क्या होगी? जो सदा मिलन में मगन होगा, वह कभी कोई विघ्न में नहीं होगा। मिलन विघ्न को हटा देता है।
वह विघ्न विनाशक होगा। मिलन को ही लगन कहते हैं। कोई भी प्रकार का विघ्न आता है वह विघ्न के वश हो जाते हैं, तो इससे क्या सिद्ध होता है? सदा मिलन मेला नहीं मनाते हो। जैसे औरों को कहते हो कि समय को पहचानो, समय का लाभ उठाओ, तो अपने आप को भी यह सूचना देते हो। वह सिर्फ दूसरों को देते हो। अगर अपने आप को भी यह सूचना देते हो तो एक सेकंड में मिलन से दूर नहीं रह सकते, हर सेकंड मिलन मनाते रहेंगे। जैसे कोई भी बड़ा मेला लगता है, उसका भी समय फिक्स होता है कि इतने समय के लिए मेला है, फिर वह समाप्त हो जाता है। अगर कोई श्रेष्ठ मेला होता है तो बहुत थोड़े समय के लिए होता है, तो क्या किया जाता है? मेले को मनाने का प्रयत्न किया जाता है। वैसे ही संगम के मेले को अगर अब नहीं मनाया तो क्या फिर ये कब यह मेला लगेगा क्या? जबकि सारे क्लब के अंदर यह थोड़ा समय ही बाप और बच्चों का मेला लगता है, तो इतने थोड़े समय के मेले को क्या करना चाहिए? हर सेकंड मनाना चाहिए। तो समय की विशेषताओं को जानते हुए अपने में भी ये विशेषता धारण करो, तो सत्य ही श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। लक्ष्य तो सभी का श्रेष्ठ आत्मा बनने का है ना। लक्ष्य श्रेष्ठ बनने का होते हुए भी पुरुषार्थ साधारण क्यों चलता है? लक्ष्य श्रेष्ठ है तो फिर लक्षण साधारण आत्मा का क्यों? इसका कारण क्या है? लक्ष्य को भूल जाते हो। लक्ष्य रखने वाले फिर लक्ष्य को भूल जाते। कोई भी विघ्न का निवारण करने की शक्ति कम क्यों है? इसका कारण क्या? निवारण क्यों नहीं कर सकते हो? निवारण न करने के कारण ही जो लक्ष्य रखा है उसको पा नहीं सकते हो। तो निवारण करने की शक्ति कम क्यों होती है? श्रीमत पर चलने वाले का तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण होंगे। अगर लक्ष्य श्रेष्ठ और लक्षण साधारण है तो इसका कारण क्योंकि विघ्न को निवारण नहीं कर पाते हो। निवारण न करने का कारण क्या है? किस शक्ति की कमी है? निर्णय शक्ति, ये ठीक है। जब तक निर्णय नहीं कर पाते तब तक निवारण नहीं कर पाते। अगर निर्णय कर लो तो निवारण भी कर लो, लेकिन निर्णय करने में कमी रह जाती है। और निर्णय क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि निर्विकल्प नहीं होते। व्यर्थ संकल्प विकल्प बुद्धि में होने के कारण, बुद्धि क्लियर न होने के कारण निर्णय नहीं कर पाते हो, और निर्णय न होने के कारण निवारण नहीं कर पाते। निवारण न करने के कारण कोई न कोई आवरण के वश हो जाते। निवारण नहीं तो आवरण अवश्य आता है। तो अपने निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए सहज साधन कौन सा दिया हुआ है? जैसे सोने को परखने के लिए कसौटी को रखा जाता है, इससे मालूम हो जाता है कि सच्चा है व झूठा है। ऐसे निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए अपने आप को सामने कौन सी कसौटी है? साकार बाप का हर कर्तव्य हर चरित्र वही कसौटी है। जो भी कर्म करते हो, जो भी संकल्प करते हो, अगर इस कसौटी पर देख लो कि ये यथार्थ है या अयथार्थ है, व्यर्थ है व समर्थ है, इस कसौटी पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वह सहज और श्रेष्ठ होगा, तो इस कसौटी को ही साथ नहीं रखते हो, इसलिए मेहनत लगती है। जो सहज युक्ति है उसको भूल जाते हो, इस कारण विघ्नों से मुक्ति नहीं पा सकते हो। अगर सोने का काम करने वाले के पास कसौटी ठीक ना हो तो क्या होगा? धोखा खा लेंगे।
ऐसे ही अगर ये कसौटी सदा सात स्मृति में न रखते हो तब मुश्किल अनुभव करते हो। है तो सहजना, फिर मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि युक्ति को यूज नहीं करते हो। युक्ति यूज करो तो मुक्ति जरूर हो जाएगी। चाहे संकल्प के तूफान से, चाहे कोई भी संबंध द्वारा व प्रकृति व समस्याओं द्वारा कोई भी तूफान व विघ्न आते हैं तो उससे मुक्ति न पाने के कारण युक्ति नहीं, युक्ति युक्त नहीं बने। जितना योग युक्त युक्ति युक्त होंगे उतना सर्व विघ्नों से मुक्त जरूर होंगे। सर्व विघ्नों से मुक्त हो या युक्त हो, योग युक्त नहीं रहते हो तब विघ्नों से युक्त हो। जो कोई भी प्रोग्राम रखते हो व भाषण आदि करते हो व किसको भी समझाते हो तो उसमें सभी को मुख्य कौन सी बात सुनाते हो? मुक्ति जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब आपका जन्म सिद्ध अधिकार है तो उसको प्राप्त करो। फिर कहते हो अब नहीं तो कब नहीं। तो ये जो मुख्य स्लोगन है, मुक्ति मुक्ति जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको आप लोगों ने क्या पाया है? बच्चे बने और अधिकार नहीं पाया? औरों को समझते हो सच्चा बना और वर्ष का बच्चा बना और वर्ष का अधिकारी बना। तो ये सिर्फ समझाने का है, वह प्रैक्टिकल करने की बात है। लायक बनना दूसरी बात है, लेकिन मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्ष मिल गया है वह नहीं, यहाँ ही पा लिया है। वह मुक्ति धाम में मुक्ति और स्वर्ग में जीवन मुक्ति लेना है। भविष्य में तो मिलना है, लेकिन भविष्य के साथ साथ अभी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिली है। जब बाप अभी मिला है तो वर्षा भी अभी मिला है। भविष्य के दिलासे पर चल रहे हो। नेक चेक मिला है, बच्चों को चेक नहीं दिया जाता। बच्चे तो बाप की हर चीज़ पर अधिकारी होते हैं, अधिकारी को चेक का दिलासा नहीं दिया जाता। तो प्रैक्टिकल जो वर्षा है वह अभी प्राप्त होता है। जीवन बंद के साथ ही जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। वहाँ तो जीवन बंद की बात ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ उसी प्रारब्ध में होंगे। मुक्ति धाम के मुक्ति का अनुभव जो अभी कर रह सकते हो वह वहाँ नहीं कर सकेंगे। तो यह नहीं समझना है कि मुक्ति जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार भविष्य में पाना है। नहीं, जब से बच्चे बने तो वर्षा भी पा लिया है। बाकी आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार कहाँ तक बनते हो, वह नंबर हैं। वर्षे के अधिकारी तो बन जाते हो, उस वर्षे को जीवन में धारण कर उससे लाभ उठाना वह हरेक की अवस्था पर है। वर्षा देने में बाप कोई अंतर नहीं करता, लायक और नालायक बनने में अंतर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है जन्म सिद्ध अधिकार अपने आप में सदा प्राप्ति करते हो। सदा मुक्त रहना चाहिए ना, देह से, देह के संबंध से भी मुक्त और पुरानी दुनिया की स्मृति से भी मुक्त। मुक्त नहीं बने हो, मुक्ति की अवस्था का अनुभव अगर करते हो तो मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्योंकि जीवन में तो होना, शरीरधारी होना, जीवन में रहते हुए देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त हो, इसको ही जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। तो मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करना है, न कि भविष्य में। भविष्य में तो यहाँ की प्राप्ति की प्रलब्ध मिलती रहती है, लेकिन प्राप्ति का अनुभव अभी होता है। भविष्य में तो अंडरस्टूड है, वह श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध।
लेकिन श्रेष्ठ कर्म तो अभी होते हैं ना, तो प्राप्ति का भी अनुभव अभी होगा ना। भविष्य के दिलासे पर सिर्फ न रहना, चेक रख अपनी चेकिंग में रह जाओ। ऐसे नहीं करना, अपने आप को देखो कि बाप द्वारा जो वर्षा मिला है इसको कहाँ तक प्राप्त कर चल रहे हो। बाप ने तो दे दिया, अधिकारी का अधिकार कोई छीन नहीं सकता, तो हम अधिकारी हैं। इस नशे में निश्चय में रहो, सिर्फ यह देखो कि मिले हुए वर्षे को कहाँ व्यर्थ तो गुमा नहीं लेते हो। ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनको मिलता बहुत है लेकिन गंवाते भी बहुत हैं। गंवाने कारण मिलते हुए भी भिखारी रह जाते हैं, अधिकारी होते भी अधीन बन जाते हैं। जब अधिकार न होगा तो जरूर अधीनता होगी। विघ्नों के अधीन हो जाते हो ना, क्योंकि अधिकार को नहीं पाया है। अगर सदा अधिकारी बनकर चलो तो कोई भी विघ्न के अधिकारी हो नहीं सकते। इस प्रकृति के अधीन नहीं बनना है। जैसे बाप प्रकृति को अधीन करता है, अधीन नहीं होता है, वैसे इस देह व जो भी ये प्रकृति है उसको अधीन कर चलना है, न कि अधीन। अच्छा, कलाबाजी का खेल देखा? भट्टी वालों ने आज कलाबाजी अच्छी दिखाई है। अभी समाप्ति में सभी कमजोरियां भी समाप्त हो जाएंगी ना। फिर ये कलाबाजी तो नहीं खेलेंगे ना। सदा मुक्ति और जिनमुक्ति अधिकार के निश्चय और नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को धारण कर श्रेष्ठ आत्मा बनने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते ओम शांति।